आपकी उम्र कितनी है? 10. इसका मतलब है 2007. 2006 में आपका जन्म हुआ. 2030 तक आप कितने साल की हो जाएंगी? 24. जब आप 24 साल की होंगी तब भारत में हर किसी के गुजारे के लिए जितना पानी चाहिए उसका सिर्फ 50% ही रह जाएगा. क्या आपको प्यासा रहना अच्छा लगता है? नहीं, मगर इसकी शुरुआत हो चुकी है. नदियों का करीब 40% पानी सूख चुका है और ऐसी आशंका है कि अगले 20 सालों में 60% पानी सूख जाएगा. कई नदियां जो हजारों सालों से बहती आई हैं अब सिर्फ बरसात में बहती हैं. मैं 12 से 17 साल की उम्र तक हर दिन कावेरी नदी में तैरा करता था. 17 की उम्र में मैंने अपनी खुद की नाव बनाकर कावेरी में 163 किलोमीटर की यात्रा 12-13 दिनों में की थी. ये बड़ा ही शानदार अनुभव था. लेकिन आज अगर आप कावेरी में जाकर नाव चलाने की कोशिश करेंगे तो आप चट्टानों में अटक जाएंगे क्योंकि उतना पानी नहीं बचा है. हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी. लोग सोचते हैं कि पानी के कारण पेड़ हैं. नहीं, पेड़ों के कारण पानी है. ये बात आपको समझनी होगी. तो इन नदियों में जान फूंकने के लिए हमें एक चीज करनी होगी. हमें यह पक्का करना होगा कि नदियों के दोनों तरफ कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ ही पेड़ हों. अगर वो सरकारी जमीन है तो वहां जंगल लगाए जाएं. अगर वो किसी किसान की जमीन है तो वहां फलों और औषधियों के पेड़ या बगीचे लगाए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि हम सभी को यह पक्का करना होगा कि हम भोजन में कम से कम 30% फल खाएं. अगर हमारे भोजन का 30% हिस्सा पेड़ों से आने वाले फल होंगे केवल तभी किसान फलों की खेती करके उसे हमें बेच सकते हैं, है ना? तो हम ये सारी योजना तैयार कर रहे हैं अपनी नदियों को बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि जब 100 साल बाद आप बूढ़े हो जाएं, जब 100 सालों के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, हमारी नदियां तब भी वैसे ही बहती रहें जैसे मेरे बचपन में बहती थी. मैं चाहता हूं कि आप ये देख सकें. अगर ऐसा होना है तो हमें एक मजबूत सरकारी नीति की जरूरत होगी. सरकार नीति बनाने के लिए तैयार है, मगर हम सभी को मदद करनी होगी. लोकतंत्र का क्या अर्थ है? हम सभी को मदद करनी होगी तभी वो ऐसा कर पाएंगे. तो एक काम कीजिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे. आप स्कूल की तरफ से लिखिए, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. स्कूल की तरफ से जाने वाले पत्र में आप सभी अपने हस्ताक्षर कीजिए, ठीक है? हम ये पत्र उन पर दबाव डालने के लिए नहीं भेज रहे, बल्कि उन्हें ये बताने के लिए कि वो इसके लिए जो भी काम करेंगे उसमें हम सभी उनके साथ हैं. लोकतंत्र का यही मतलब है ना? जब तक हम सभी उनकी मदद न करें क्या वो कोई उपयोगी चीज कर सकते हैं? तो हमें उनकी मदद करनी होगी.